वेलकम टू माई चैनल। होप आप सभी अच्छे होंगे। ओके, तो हम आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दैट्स आर एग्जाम, इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो 5 क्वेश्चंस है फ्रॉम प्रीवियस ईयर वो। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सटर्नल फीचर, एनाटॉमी, डिफरेंशिएशन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ राइजोट्स, मिचियोस्पोरगोनियम, लाइसाइफिकल ऑफ एग्जाम। तो ये जो क्वेश्चन है हम वन बाय वन थ्योरेटिकली करेंगे। ओके, इस वीडियो में मैं आपको एक्सटर्नल फीचर दूंगी। तो इट्स अ जो इक्सा का प्योर स्ट्रक्चर है जो, ठीक है, तो ये लेबल स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या आप देख रहे हैं, एपिकल नोड्स देख रहे हैं, वेंटर स्केल्स देख रहे हैं, राइजोइड्स, थैलोस्लोब, थैलोस्लोब मतलब इसकी जो लोब्स हैं वो डाइकोटमस लिए हैं, इसकी ब्रांच क्या है डाइकोटमस लिए, इसके थैलोस्लोब होते हैं। इसमें एक मिडरिप है, यू कैन सी इट्स अ मिडरिप। ओके, तो अब हम इसको जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है इसका, इसको थ्योरेटिकली पढ़ेंगे। तो यू कैन वी कैन स्टार्ट। ओके, उसका हम एक वन बाय वन जो है कि पूरा थ्योरी पढ़ेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास आता है एक्सटर्नल फीचर्स। तो एक्सटर्नल फीचर्स का मतलब आप क्या समझते हो, एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल मतलब बाहरी रूप से वो कैसा दिखता है। ओके, तो रिक्सिया का हम जो अगर हम देखेंगे तो वो कैसा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट में ये आता है गिमेटोफाइटिक बॉडी, इसकी गिमेटोफाइटिक बॉडी हमारी बॉडी है जो रिक्सिया की, तो मतलब इसमें गिमिट्स हैं। ओके, तो हैप्लॉइड्स है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। नंबर टू थैलस, ये इसकी जो बॉडी है वो कौन सी शेप की, थैलस है। थैलस मीन क्या होता है, थैलस मीन नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स एंड लीव्स, इसका मतलब इसमें कोई रूट नहीं है, कोई स्टेम नहीं है और कोई लीव्स नहीं है। ओके, मतलब ये कौन सी बॉडी है, थैलस वाली। तो इसका साइज कितना जाता है, 5 to 7 mm इन लेंथ, 1 to 3 mm इन, जो लेंथ है वो कितनी जाती है 5 to 7, और जो चौड़ाई है चौड़ाई में वो कितना है 1 to 3। सो ओके, इट्स अ प्रोस्टेट, प्रोस्टेट है सीधा एंड फ्लैट, डोर्सोवेंट्री, डोर्सोवेंट्री क्या है, फ्लैट। नेक्स्ट है रिबन, लाइक रिबन आपने देखा है ऐसा, मतलब जैसे लाइक दिस रिबन लाइक फ्लैशी ग्रीन थैलस है। कौन सा थैलस है, कौन से मतलब थैलस आ जाता है, फ्लैशी ग्रीन थैलस है। नेक्स्ट इसकी ब्रांच है, ब्रांच हैं जो वो क्या है, डाइकोटोमोज ली हैं। ओके, ब्रांच हैं जो इसकी क्या है, डाइकोटोमोज ली हैं। नेक्स्ट इसका जो आ जाता है हमारे पास, ईच ब्रांच जो हर एक ब्रांच है जो इसकी रिक्सिया की हर एक ब्रांच को क्या बोलते हैं, थैलोस्लोब। ओके, इसकी ब्रांच हैं जो क्या है, डाइकोटोमोजली है, ईच ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, थैलोस्लोब। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जो द ब्रांचेस डिटरमाइंस अवर टाइप ऑफ शेप ऑफ द थैलस, मतलब जैसी उसकी ब्रांच होंगी, उसकी ब्रांच डाइकोटोमोजली है, जो कैसी भी तरह की ब्रांच है उसकी शेप को डिफाइन कर देंगी, फिर इसकी शेप कैसी हो सकती है। ओके, तो हमारे जो रिक्सिया की उसकी स्पीसीज हैं, एक्वाटिक में मिलती हैं, टेरेस्ट्रियल भी होती हैं, मतलब पानी में मिलती हैं, और जो आप देख सकते हैं धरती पे मिलती, ठीक है, धरती आई मीन से लैंड पे। ओके, तो एक्वाटिक में जो है राइजोइड्स एंड स्केल्स एब्सेंस होंगे, इसमें राइजोइड स्केल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो टर्शियल स्पीशीज हैं उसमें वेरियस राइजोइड्स एंड स्केल्स आल्सो प्रेजेंस होंगे। एंड देन हमारे पास जो थैलस है, मैनी स्पीसीज हैज़ अ मिडरिप ऑन इट्स डॉर्सल सरफेस। थैलस है जो उस पर क्या मिडरिप होती है, एक लाइन होती है मिडरिप उसको बोलते हैं, ठीक है। हमने पहले स्ट्रक्चर में डिस्कस कर लिया है जो, ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने पूरी बताई है, तो उसमें आपने देखा था कहाँ पर मिडरिप थी, ऑन द डॉर्सल सरफेस, ठीक है। मिडरिप रिप्रेजेंटेड डॉर्सल मीडियन ग्रूव, तो जो मिडरिप है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, डोर्सल मीडियन ग्रू, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, वेंट्रल मीडियन रिजिट्स भी बोल सकते हैं, आल्सो नोन एज़ वेंट्रल मीडियन रिजिट्स। और उसके बाद है जो मिडरिप है, एंड इन अ डिप्रेशन एट द एपिकल पोर्शन ऑफ द थैलस, जो कहाँ पे ऐसे जो एपिकल पोर्शन पे हमने देखा था ना कहाँ पे एंड होती थी, उसको एपिकल पोर्शन कहा जाता है,
थैलर रिजल्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एपिकल नोच, वहाँ पर क्या बन जाती थी एपिकल नोच, जो थोड़ी सी जगह बन गई थी तो एपिकल नोच थी, वेयर द ग्रोइंग प्लांट इज लोकेटेड। उसके बाद जहाँ पे एपिकल नोच है उससे आगे क्या जाएगा, ग्रोइंग प्लांट जो हमारा होगा। ओके, नेक्स्ट जो सम स्पीशीज हैव